वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है एक और क्वेश्चन पेपर के साथ। मेरा नाम आयुष और इग्नूवाला में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप प्लेलिस्ट पर जाके अपने सब्जेक्ट कोड की क्लासेस लेना शुरू कर सकते हैं। ये एकमात्र ऐसा चैनल है जो आपके लेके आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में हमेशा मैं लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर आपके लिए लेके आता हूँ। और अगर मैं अब की बात करूँ तो आज जो मैं आपके लिए क्वेश्चन पेपर लेके आया हूँ, इसका एग्जाम आपका कल ही होने वाला है। बिल्कुल सही सुना आपने, कल इसका एग्जाम होने वाला है। तो चलिए इस पेपर को डिस्कस करते हैं ताकि आपकी थोड़ी सी हेल्प मैं कर पाऊँ। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं बता दूं कि जो भी मेरे भाई बीएजी के स्टूडेंट हैं, किसके बीएजी के स्टूडेंट हैं, तो उनके पास ये कोड हो ही सकता है। नॉर्मल सी बात है, बीएचआईसी 133 जो कि हिस्ट्री का कोड है मेरे भाई। किसका कोड है? हिस्ट्री का कोड है मेरे भाई। डन। अब देखो, हिस्ट्री की अगर बात करूं तो ये भारत का इतिहास है। ये क्या है? भारत का इतिहास है। और कब से कब तक है? 1206 से लेकर 1707। 1206 से लेकर 1707 की बात करें तो इसमें दो ही पॉइंट बनते हैं। एक तो हम इसमें पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में, जो आपने पढ़ लिया होगा, और एक मंगोलों के बारे में। तो इसलिए इस इतिहास को मध्यकालीन इतिहास कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं मेरे भाई? मध्यकालीन इतिहास। ठीक है भाई, तो मध्यकालीन इतिहास से जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं उन्हीं क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। पूरी कोशिश करेंगे कि चीजों को बेहतर तरीके से हम समझ पाए मेरे भाई। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। यहाँ इतना तो आपको पता ही होगा भाई, नॉर्मल सा अगर एग्जाम पैटर्न की मैं बात करूं तो 3 घंटे का आपका पेपर होने वाला है, 100 नंबर का आपका पेपर होगा। हर क्वेश्चन कम से कम आपको 400 शब्दों में लिखना होगा मेरे भाई। कितने शब्दों में? 400 शब्दों में लिखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य के बारे में। किसके बारे में? विजयनगर साम्राज्य। तो आपको पता है विजयनगर साम्राज्य आधुनिक कहां पे था? कर्नाटक में था मेरे भाई। कहां पे था? कर्नाटक में। किस वंश ने इसकी स्थापना की थी? तो भाई याद रखना, संगम वंश ने इसकी स्थापना की थी। दो भाई थे, हरियर और बुक्का। तो उसके स्थानीय प्रशासन के बारे में आपको बताना है कि विजयनगर। लेकिन याद रखिए, हिस्ट्री का जब पेपर आप अटेम्प्ट करने जाते हैं तो ये तो मैटर करता ही नहीं है कि मुझे क्या इस बारे में पता है या नहीं पता स्थानीय शासन के बारे में। आपको लिखना सारा पड़ेगा। सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा विजयनगर साम्राज्य है क्या, है ना, इसकी स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना किसने की, ये सब आपको इसमें बताना पड़ेगा। तो इतना तो आप भूल ही जाइए कि स्पेसिफिक आंसर में लिख के आऊं। आपको ये फोकस करने का है कि वहां पर जो आपने की पॉइंट पकड़ ली, जैसे इसे मैंने आपको की पॉइंट क्या बताया, विजयनगर साम्राज्य के बारे में लिख देना है। जो आपको पता वो लिख दो विजयनगर साम्राज्य के बारे में। अगला देखो, अगला की पॉइंट क्या बनता है? मुगल राजपूतों का संबंध। मुगलों का राजपूतों के संबंध की बात करें तो इसमें एक एग्जांपल आप पेपर में दे सकते हैं, जोधा का और अकबर का। अकबर जोधा का नाम सुना होगा आपने। अकबर तो मुगलों का राजा था, सुल्तान था कह सकते हो आप, लेकिन जोधा क्या थी? राजपूतों की बेटी थी। तो अकबर ने एक नीति चलाई थी अपनी कि जहां पर साम दाम दंड भेद नहीं चलता वहां पर शादी चलती है। तो विवाह को लेकर काफी ज्यादा इनके बीच में संबंध बने। मुगलों के और राजपूतों के संबंध अच्छे क्यों हुए? क्योंकि ये आपस में विवाह संबंध बनाने लगे। क्या बनाने लगे मेरे भाई? आपस में विवाह संबंध बनाने लगे। जैसे अगर बात करें तो अकबर जोधा की, किस किस की बात करें? अकबर की और जोधा की बात करें, तो वही है सबसे मेन बात। मध्यकालीन भारत में इतिहास लेखन की परंपरा। मध्यकालीन भारत की बात करें तो इसमें इतिहास लेखन की परंपरा की अगर बात करें तो इसमें बहुत सारी किताबें आती हैं। जैसे एक किताब का नाम आपने सुना होगा, आईन ए अकबरी। क्या सुना होगा? आईन ए अकबरी। इसके अलावा आपने सुना होगा कि हर राजा पर एक किताब लिखी गई थी नामा के नाम से। तो अकबर नामा हो गई आपकी, बाबर नामा हो गई, ठीक है, एक हो गई आपकी आलमगीर नामा, आलमगीर नामा। तो इस तरीके से बहुत सी किताबें लिखी गई थी जो कि इतिहास लेखन की परंपरा की तरफ इशारा करती है। किसमें? मध्यकालीन भारत में मेरे भाई। ये बात आपको याद रहेगी, ठीक है, हर क्वेश्चन के डायरेक्शन में आपको दे रहा हूँ। चलिए, अब आपको करनी है कुछ टिप्पणियां। जैसे कौन सी टिप्पणी करनी है? एक तो मंगोल समस्या। भाई मंगोल समस्या तो आपको पता ही है, मंगोलों की समस्या क्या थी? वही चंगेज खान वाली समस्या आपको बता देनी है इसमें, क्योंकि वो भी मध्यकालीन भारत में आता है। गुजरात की सल्तनत, गुजरात की सल्तनत के बारे में इस बार एग्जाम में नहीं आना। मासिक वेतन, मासिक वेतन ये किससे संबंधित है? मासिक वेतन ये मुगल काल से संबंधित है मेरे भाई। किससे संबंधित है? मुगल काल से संबंधित है, क्योंकि वहां पर सैनिकों को मासिक वेतन दिया जाता था। किसको? सैनिकों को एक सैलरी दी जाती थी, मंथली सैलरी। दीवाने कुल, दीवाने कुल का मतलब होता है खुद का परिवार। और मीर बख्शी, मीर बख्शी होता है राजस्व अधिकारी। कौन होते हैं? राजस्व अधिकारी, जो कि क्या करते हैं? टैक्स वसूलते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो मीर बख्शी के बारे में आप लिख सकते हैं, ये भी मुगलों की बात हो रही है यहाँ पे। किसकी बात हो रही है? मुगलों की बात हो रही है। मैंने आपको बताया ना, इस वाली हिस्ट्री के लिए आपको कुछ नहीं करना। इस वाली हिस्ट्री के लिए आपको दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ लेना है पूरा, और थोड़ा सा आपको मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ लेना, आप पास हो सकते हैं। डन। अगली बात करें तो मुगलों की, फिर बात आ गई तो मुगलों की, इस बार किसके बारे में बताना है? हमें बताना है मुगलों के वास्तुकला के बारे में। वास्तुकला की प्रमुख विशेषताएं बतानी है। वास्तुकला क्या होती है?
वास्तुकला होती है कि मुगलों ने क्या क्या स्कल्पचर्स बनवाए। तो आपको दो तीन का एग्जांपल तो पता ही होगा, जैसे दिल्ली का लाल किला शाहजहां, अगर बात करें क्या ताजमहल शाहजहां, अकबर ने किला आगरा बनवाया था वो भी आपको याद रहेगा, फतेहपुर सीकरी अकबर ने बसाया था, तो ये सब क्या है वास्तुकला के उदाहरण है। अगर बात करें जमींदार, तो जमींदार कौन थे, जैसे अंग्रेजों ने एक व्यवस्था चलाई थी बाद में, ठीक पहले एक सामंती व्यवस्था चलती थी, एक सामंती व्यवस्था चलती थी किसके टाइम पीरियड में, मुगलों के टाइम पीरियड में। इस सामंती व्यवस्था में होता कौन था, सबसे ऊपर तो राजा या सुल्तान होता था, उसके नीचे कौन होते थे जमींदार होते थे, और सबसे नीचे होते थे मेरे भाई किसान, सबसे नीचे कौन होते थे किसान। तो इस व्यवस्था के कारण जमींदारों का उदय हुआ, इन्हें कहते हैं जमींदार। उनके अधिकारों की बात करें तो उनके पास अपनी खुद की सेना होती थी, उनके पास क्या होते थे कुछ बड़ी बड़ी संपत्ति होती थी, प्लस उनका सीधा कनेक्शन सुल्तान या राजा से होता था, और इन्हें मनसब कहते थे। इन्हें क्या कहते थे उस समय, मनसब कहते थे। मध्यकालीन भारत में वाणिज्यिक गतिविधि में आपको बताना है, वाणिज्यिक गतिविधि का मतलब क्या होता है, आपको बताना है व्यापारिक स्थिति कि किस प्रकार का व्यापार होता था। तो आपको मध्यकालीन भारत की इसमें क्या बतानी है, व्यापारिक स्थिति बतानी है मेरे भाई, जो कि आप बुक में आसानी से पढ़ ही लेंगे, मैं आपको केवल गाइड करने के लिए बता रहा हूँ ये बात। अब बसता है लास्ट टिप्पणियों का क्वेश्चन, किस पर टिप्पणी करनी है, एक तो नायिका देवी और रुद्रमा देवी, इनकी बात करें तो आपको याद रखना है कि ये किस वंश से संबंधित थी, ये बात आपको याद रखनी है। अगर बात करें सिख धर्म के सिद्धांत, तो सिख धर्म के आपने पांच सिद्धांत सुने होंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल सिख धर्म की स्थापना किसने की थी, गुरु नानक ने की थी, किसने की थी गुरु नानक ने। टोटल इसमें कितने गुरु हुए हैं, 10 गुरु इसमें हुए हैं। अगर बात करें दसवें गुरु कौन थे, तो वो भी आपको याद रखना, गुरु गोविंद सिंह, कौन थे गुरु गोविंद सिंह। अगर बात करें गुरु गोविंद सिंह के बाद क्या कोई 11वां गुरु हुआ, नहीं हुआ। अगर इसके सबसे पवित्र ग्रंथ की बात करें तो आदि ग्रंथ साहिब, क्या नाम है आदि ग्रंथ साहिब, कबीर ने भी इस ग्रंथ की कई किताबें लिखी हैं, जैसे आदि ग्रंथ साहिब की रचना किसने की थी, कबीर ने की थी मेरे भाई। इसके अलावा मुगलों का व्यापारिक मार्ग, आपको पता है मुगलों का व्यापारिक मार्ग मध्य एशिया के रास्ते कहां तक, अरब देशों तक जाता था, तो ये बात तो आपको पता ही होगी। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आना, और यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में आपको यहां बताना है ईस्ट इंडिया कंपनी, किसके बारे में बताना है, पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि कहां की थी, ईस्ट इंडिया कंपनी तो आपको पता है ब्रिटेन की थी मेरे भाई। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें गोवा, तो गोवा में कौन से व्यापारी आए थे, गोवा में आए थे पुर्तगाली, कौन आए थे मेरे भाई, गोवा में आए थे पुर्तगाली, तो ये भी आपको याद रखना है। और साथ साथ भारतीय शासक, तो आपको इतना तो पता होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसके खिलाफ प्लासी का युद्ध लड़ा था, एक तो प्लासी का युद्ध आपने सुना होगा जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच था, और एक आप इसमें लिख के आना बक्सर का युद्ध, किसका भाई बक्सर का युद्ध, डन। तो ये तो हुआ था आपका 1757 में, और ये हुआ था आपका 1765 में, याद रहेगा आपको इतनी बात। चलिए नॉर्मल सी बातें हमने कर ली है, तो आज की क्लास के लिए केवल इतना ही, BHIC 133 का सिलेबस यही खत्म होता है। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार भाई।